दुर्ग में रविवार को सुहागन महिलाओं ने वट वृक्ष की पूजा अर्चना कर निर्जला व्रत रख वट वृक्ष के नीचे बैठकर कथा सुनकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना की। ज्येष्ठ मास की अमावस्या को मनाए जाने वाले वट सावित्री पूजन को लेकर रविवार को सुहागन महिलाएं पूरे श्रद्धा भाव के साथ वट वृक्ष की पूजा अर्चना की और वट वृक्ष को संकल्प सूत्र बांधकर अपने पति की दीर्घायु होने की कामना की, जिसके लिए सुहागिनों ने निर्जला व्रत रखते हुए पूजन के लिए तरह तरह के पकवान बनाए और वट वृक्ष के नीचे पूजा अर्चना कर पति की दीर्घायु की कामना की। गौरतलब है कि रविवार को दुर्ग शिक्षक नगर स्थित महावीर स्कूल परिसर में सुहागिन महिलाओं के द्वारा की जाने वाली वट वृक्ष की इस कथा के पीछे सत्यवान सावित्री का व्यक्तित्व है, जिन्होंने यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस ले लिए थे और तभी से वट सावित्री का व्रत रखकर महिलाएं अपने पति की दीर्घायु व स्वस्थ तन की कामना करती है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या को मनाए जाने वाले वट सावित्री का पर्व इस वर्ष रविवार व सोमवार को मनाया जाएगा। दरअसल रविवार की दोपहर से ज्येष्ठ अमावस की शुरुआत हो रही है, जो सोमवार की दोपहर तक चलती रहेगी। बहरहाल वट वृक्ष की पूजा करने रविवार को पहुंची महिलाओं ने इस व्रत को लेकर गजब का उत्साह दिखाया, जिन्होंने पूरे श्रद्धा भाव से वट वृक्ष की पूजा अर्चना कर अपने पति की लंबी उम्र की कामना की और इस संबंध में पूजा कराने पहुंचे पंडित व महिलाओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। करते हैं अपने पति की लंबी उम्र की है और वट सावित्री माता उनको मतलब आशीर्वाद दें, हम लोगों को धागा इसलिए बांधते हैं, उपवास है, इसके लिए पति के लिए भाइयों के लिए रखा जाता है। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का उपवास रहते हैं। जेठ कृष्ण पक्ष अमावस्या सत्यवान सावित्री की कथा रहती है। इसमें सावित्री जो है यमराज से अपने पति को बचा करके लाती है, इसके संबंध में इसको बताया गया है। जो सत्य के आधार पर रहते हैं उसका अपूर्ण आयु होती है सत्यवान का, उसको भी यमराज से बचा करके इसको पूर्ण किया जाता है, अर्ध आयु को पूर्ण करके ले आते हैं वापस। तो यमराज बहुत प्रसन्न होते हैं इनके बातों से, धर्मयुक्त बात रहता है, क्योंकि पति परायण रहते हैं, पति परायण रहने के कारण कोई भी उसको डिगा नहीं सकता, हरा नहीं सकता, झुका नहीं सकता, सती रहते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।